सो हे गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू लियाकत प्रोडक्शंस। गाइज आज की इस वाले वीडियो में हम सीखने वाले कुछ इस तरह का एक डबल एक्सपोजर इफेक्ट जो कि गाइज बहुत ही कूल है एंड मैं आपको स्पेशल ट्रिक के साथ ये वाले जो एडिटिंग है सिखाने वाला हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें सो आप भी अपने फोटोज़ को इस तरह कूल एडिट कर पाओगे। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजल आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ में ही गाइज मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ गाइज आपको बहुत ही अमेजिंग बैकग्राउंड्स देखने को मिल जाएंगे। गाइज ये सारी एडिटिंग हम करने जा रहे हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में जो कि आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पर, सो वहाँ से आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं जंप कर देता हूँ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में विद दिस बैकग्राउंड। गाइज ये वाला जो बैकग्राउंड है आपको मेरी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम ऐड फोटो में चले जाते हैं और अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से गाइज मॉडल को आपको बिल्कुल पिंच करना है जूम। सो आपका मॉडल कुछ इस तरह से रहना चाहिए पिक्चर पे बिल्कुल जूम करके। गाइज ये वाला जो पोर्शन है हमें चाहिए तो यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी कम करके देख सकता हूँ कि हमारा मॉडल कहाँ पे रह जाएगा। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसे 87 पे रख देता हूँ। इरेजर आइकन पे क्लिक करता हूँ एंड गाइज जो हमारे मॉडल का बैकग्राउंड है उसे हम यहाँ से इरेज कर लेते कुछ इस तरह से। सो यहाँ तक आपको कुछ इस तरह से करना है, फिर इरेजर आइकन पे क्लिक करना है एंड इरेजर आइकन पे क्लिक करके हार्डनेस इस तरह से रखनी है एंड यहाँ फिर इस तरह इरेज कर देना है। फिर से गाइज मैं इरेजर के साइज़ को थोड़ा बहुत कम कर देता हूँ एंड यहाँ से इरेज कर देता हूँ। हमारा जो इफेक्ट है कुछ इस तरह से आएगा हमारी पिक्चर में। जो आप गाइज सिर्फ वीडियो को एंड तक वॉच कर लीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने में। सो यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी अप कर देता हूँ एंड चले जाता हूँ नेक्स्ट स्टेप की ओर। डन गाइज मैं ऐड फोटो में चले जाता हूँ, फिर से ये वाला फोटो ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमें इसका जो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड है गाइज उसे हमें इरेज कर लेना है यहाँ पे। तो मैं कटआउट पर जाके इसका जो बैकग्राउंड इरेज कर लेता हूँ। अगर गाइज आपको यहाँ पे बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक अमेजिंग वीडियो दे रखा है जिससे गाइज आप ऑटोमेटिक अपने फ़ोटोज़ का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वो वीडियो ज़रूर वॉच करें, वहाँ गाइज आपको बहुत ही अमेजिंग ट्रिक देखने को मिल जाएगी। सो फटाफट से गाइज मैंने इसका जो बैकग्राउंड इरेज कर लिया है तो यहाँ पर इसे एडजस्ट करना है अच्छी तरह से। गाइज एक कूल इफेक्ट आ रहा है हमारी पिक्चर में, आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन गाइज इसकी और कुछ एडिटिंग करनी है यहाँ पे, तो इसकी हम पहले सबसे पहले शेडो ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे मैं शेडो वाले आइकन पे चले जाता हूँ, एडजस्ट पे जाता हूँ एंड पोजीशन इसकी चेंज कर लेता हूँ। जहाँ पे गाइज आपको परफेक्ट लगे तो वहाँ पर इसे रोक दें। हमारी जो शेडो की पोजिशन यहाँ पर सेट हो जाती है तो यहाँ से मैं इसे डन कर देता हूँ। बहुत ही अमेजिंग गाइज आप यहां पे देख सकते हो। सो गाइज नेक्स्ट स्टेप में हम टेक्स्ट पे जाते हैं एंड यहां पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, अपना नाम टाइप कर देते हैं। मैं यहां पे ये वाला जो नेम टाइप कर देता हूं। तो यहां पे गाइज इस तरह से अपने टेक्स्ट को रखना है एंड प्लेस करना है अपने लेफ्ट साइड में जहाँ पर आपको अच्छा लगे। ये भी गाइज एक कूल इफेक्ट देगा हमारी पिक्चर में। तो इसी तरह गाइज आपको भी अपने फ़ोटोज़ पे सेम करना है। तो यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ। अब थोड़ा बहुत हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं इफेक्ट्स में जाके। इफेक्ट्स में जाके गाइज हम यहाँ पे एफएक्स पे क्लिक कर देते हैं, एक इफेक्ट ढूंढ लेते हैं हम ये गाइज यहाँ पे लोमो वाला इफेक्ट जिसकी हमें गाइज अभी नीड है। तो मैं इस पर टाइप कर देता हूँ एंड यहाँ पर आपको गाइज ध्यान रखना है हमारा जो विग्नाइट ऑप्शन है इसे हमें कर देना है 11 पे एंड जो अमाउंट है अमाउंट को रख देना है 16 पे। हमारे जो कंट्रास्ट है इसको भी हम थोड़ा बहुत बढ़ा लेते हैं, फिर गाइज लास्ट में फेड को बढ़ा देते हैं। सो गाइज आप यहां पे देख सकते हो कि हमारी जो एडिटिंग है बहुत ही कूल हो चुकी है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप मेरे रीसेंट वीडियोस भी ज़रूर वॉच करें, वहां भी गाइज आपको अमेजिंग ट्यूटोरियल्स देखने को मिल जाएंगे। सो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई एक वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।